टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान के दफ्तर में आज एनसीपी पार्टी की कई महिला कार्यकर्ता शिकायत लेकर पहुंची थी कि कोई भी कार्यक्रम के दौरान महिलाओं का सम्मान सत्कार नहीं किया जाता है, जिस पर महिलाओं ने एतराज जताया। हालांकि शमीम खान ने महिलाओं को आश्वासन दिया है कि महिला हमारी पार्टी में बड़ी संख्या में शामिल हैं और उनका मान सम्मान रखना हमारा दायित्व है। दोबारा इस तरह की शिकायत का मौका महिलाओं को नहीं मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि मुमरा से भिवंडी जाने वाली बसों में सफ़र करने वाले कई टीचर्स ने शमीम खान का आज सम्मान सत्कार किया। इन टीचर्स का कहना है कि मुमरा में शमीम खान की वजह से वो आसानी से मुमरा से भिवंडी का सफ़र इस TMT बस में कर रही है। इसके अलावा सभी टीचर्स ने शमीम खान को थैंक्स लेटर भी दिया है। साथ ही मांग की है कि मुमरा फायर ब्रिगेड के पास से जो भिवंडी के लिए बस रवाना होती है, उन बसों को भारत गेट से शुरू किया जाए और बसों को एक एक घंटे नहीं बल्कि आधे आधे घंटे में छोड़ा जाए। इन दोनों मामलों में शमीम खान और एनसीपी पार्टी की महिला पदाधिकारी और बसों के संबंधित में टीचर्स ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। शमीम भाई, सबसे पहले आप बताएं कि आज आपके पार्टी ऑफिस पर एनसीपी पार्टी की तमाम महिलाएं भी यहां पर आई थी, कुछ उनकी शिकायतें थी, कुछ उन्होंने लेटर भी वगैरह आपको दिया, तो क्या मांगी थी, क्या शिकायतें उनकी थी? नहीं, देखिए, पार्टी में शिकायत और चीज़ें तो चलती रहती है। ये तो एक भाई बहन का रिश्ता होता है और जिस तरीके से हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र वार साहब के नेतृत्व में हम तमाम लोग पार्टी को मजबूत करने काम करते हैं, तो उसमें कोई सजेशन अगर आता है कि पार्टी को और मजबूत करने के लिए अपने ये कदम उठाना चाहिए, कुछ कमियाँ हैं अगर प्रोटोकॉल्स में, अगर वो बातें हम तक रखी जाए, तो मैं इसको जायज़ मानता हूँ और मैं एज ए कलवा मुमरा पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते मैं उनकी उस बातों को एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर कहीं मुझसे कुछ कमी ज़्यादती हुई है या हमारे मुझसे या हम लोगों से संगठन के लोगों से, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारी बहनें और ये जो साबिया आपा हैं या हमारी जितनी भी ये कलवा मुमरा की प्रेसिडेंट हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनके मान सम्मान में और प्रोटोकॉल्स में कहीं कमी ना हो, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने हमको यही सिखाया है और हमेशा यही आदेश दिया है, उनका यही नेतृत्व हमारे लिए रहा है कि हम संगठन को मजबूत करें और संगठन को मजबूत करने के लिए शमीम खान किस हद तक भी आगे जा सकता है। किस तरह की आपकी शिकायत थी और आपने जिस तरह से शमीम भाई से शिकायत की, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? शमीम भाई हमेशा हम जितने भी लेडीज़ इधर आते हैं या बुलाते हैं, शमीम भाई हमेशा हम लोगों को कोऑपरेट करते, इसलिए हम भाई समझते। हम सब लेडीज़ ने थोड़ा सा लेडीज़ को इशू था कि बाबा हम जो भी प्रोग्राम में बुलाते हैं वहाँ लेडीज़ को मान सम्मान नहीं दिया जाता है, इस हिसाब से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मैं हूँ, तो उनका मान सम्मान नहीं होता है। इस हिसाब से हम ये चर्चा करने के लिए शमीम भाई के पास आए थे। बस के लिए ये जो है तमाम मांगे, यहाँ पर कुछ टीचर्स हैं जो भिवंडी जाती हैं मुमरा से शिलपाड़े, आपसे निवेदन भी दिया उन्होंने, कुछ बसों की मांग भी की है, तो किस तरह की आप उनकी जो मांगे पूरी करेंगे? देखिए इस्लामुद्दीन भाई, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मुझे हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र वार साहब ने जो परिवहन का सदस्य का पोस्ट दिया है, तो जो उन्होंने मुझे मुबारकबाद दिया या सत्कार किया, तो मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे उस लायक समझा कि मैं, आप लोगों ने कुछ बातें मुझसे कही और मैंने उसको पूरा फॉलोअप किया, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि बस में कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स नहीं होते हैं, बस के अंदर कहीं ना कहीं टाइम से बस पहुँचती नहीं है, कहीं ना कहीं बस को कंडक्टर ड्राइवर रोकते नहीं हैं, तो आप जानते हैं इस्लामुद्दीन भाई, इसके लिए मैंने कई बार स्टिंग ऑपरेशन भी किया है, इसके लिए हम लोगों ने कई बार बस को रोक करके उनको इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं, मैंने कई ड्राइवर कंडक्टर को मैं अभी इन लोगों ने मांग की है कि जो बस स्टॉप्स हैं वहाँ पर बसों का टाइम टेबल लिखा जाए। नहीं, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने ये नहीं कहा, आपने गलत सवाल कर दिया। उन्होंने देखिए, आप जा करके कैमरे से फ़ोटो निकाल लीजिए, आपके आपका बहुत तीखा सवाल होता है, तो मेरा जवाब सीधा जवाब आप ले लीजिए, जा करके आप बस स्टॉप पर पहले फ़ोटो निकालिए, हर बस स्टॉप के ऊपर ऐसा एक इंडिकेटर नंबर के साथ लिखा हुआ है, टीचर
ऐसा मत बोलिए आप, उन्होंने जो कहा वो कहिए। उन्होंने कहा कि जो बस के बस में इस्लामुद्दीन साहब जो बस ड्राइवर होता है उसके फ्रंट वे में एक इंडिकेटर होना चाहिए कि ये बस कहां से कहां जाएगी। इसको लेकर आपने उसको लेकर के मैंने बात उठाई थी और शायद आपका वही कहना है टीचर, आपका वही कहना है। बस स्टॉप पे है बोर्ड, बस लिखा हुआ है, करेक्ट किया मैंने बात को। तो उसको हम जो उन्होंने मांग किया है वो जायज मांग है उनकी इस्लामुद्दीन भाई, उसको मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पूरा करने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम है शेख आरिफा बानो और मैं मुमरा से भिवंडी जो है सर्विस के लिए जा रही हूँ। तकरीबन 23-24 साल की सर्विस हो चुकी है मेरी। इससे पहले जो है हमें सुबह में बहुत जल्दी निकलना पड़ता था जाने के लिए और मुझे वाया वाया होके जाना पड़ता था। यहाँ से रिक्शा लेके मैं कल्याण जाती थी, कल्याण से ट्रेन और उसके बाद में बस। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, लेकिन जब से शमीम भाई ने यहाँ से बस शुरू की है हमारा जो है आधे से ज़्यादा वक्त जो है वो बच जाता है। दूसरी बात ये है कि हमको इतनी फिजिकली तौर पे हम लोग इतने थक भी नहीं जाते, हमको फ़ौरन बस मिल जाती है, हम यहीं से बैठ के जाते हैं और बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। मेरी सबसे बड़ा मसला ये था कि मेरा जो स्टॉप है उस स्टॉप पे बस नहीं रुकती थी। तकरीबन पावर हाउस से लेकर भादौड़ तक के एक भी बस स्टॉप नहीं था। 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला है, हमको जो है बस पकड़ने के लिए या तो बहुत आगे जाना पड़ता था या फिर बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैंने यहाँ पर आकर एप्लीकेशन दिया कि मुझे एक बस स्टॉप वहाँ पे चाहिए, उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और आज जो है वो स्टॉप पे जहाँ से मैं बस पकड़ती हूँ वहाँ पर स्टॉप लग गया है, यानी बस का पिलर लग गया है, वहाँ पे हर बस का नंबर डाला हुआ है और आज जो है वहाँ पे हर बस जो है यहाँ से TMT की शुरू होती है वो रुकती है। मेरा नाम सईदा मोहम्मद खालिद अंसारी है, मैं भी 25 साल से अभी भिवंडी में एज अ टीचर जॉब कर रही हूँ। तो शमीम सर ने जो ये फैसिलिटी शुरू की है TMT बस की मुमरा से भिवंडी के लिए, तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इससे हमको बहुत सी आसानियाँ, जैसे कि अभी मिस ने बताया आरिफा मिस ने, तो बहुत सारी आसानियाँ हमको हो गई है इसकी वजह से। और इन्होंने ये बस सर्विस शुरू करके न सिर्फ भिवंडी को मुमरा से जोड़ा है बल्कि कनेक्टेड जो अदर प्लेस है जैसे दीवा से जो काम करने वाले ना सिर्फ टीचर्स बल्कि जो दूसरे जॉब पे जाते हैं, जैसे ऑफिशियल दूसरे जॉब के लिए जाने वाले लोग जो मानकोली वगैरह दीवा वगैरह पे जॉब करते हैं और दीवा से आते हैं, वो लोग कलवा से मुमरा आते हैं और ये बस का फ़ायदा उठा रहे हैं। इवन विक्रोली से भी टीचर है वो आती हैं, मुलुंड से टीचर हैं वो आते हैं और कुर्ला से भी टीचर, यानी कि इस तरह कितनी सारी और भी प्लेसेस को इन्होंने जोड़ दिया है इस बस के ज़रिए। तो हम लोग सभी के बिहाफ में आज हम लोग यहाँ मौजूद तो कम है बट बहुत सारे लोग हैं जिनकी बाकायदा साइन वगैरह और एप्लीकेशन में नाम वगैरह मौजूद है, तो हम सबके बिहाफ में इन्हें सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना।